गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अपने माता पिता के साथ अपने परिवार में सुस्वस्थ होंगे और जीवन का आनंद उठा रहे होंगे। आइए आज हम हिंदी की इस कक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करें, और ये ऐसा विषय है कि उसके बिना हम हिंदी की वाक्याएँ बना ही नहीं सकते। अर्थात यह इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि हमको हिंदी के वाक्य बनाने के लिए इसका प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इस टॉपिक का या इस विषय का नाम है क्रिया, जिसे इंग्लिश में हम लोग वर्ब कहते हैं। क्रिया एक ऐसा शब्द है, अगर देखा जाए शाब्दिक अर्थ, अगर देखा जाए इसका शाब्दिक अर्थ, होता है काम या काम करना। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे काम होते रहते हैं, जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, पढ़ाने का काम कर रहा हूं, और आप लोग क्या कर रहे हैं, सुनने का काम कर रहे हैं और अपने मोबाइल को देखने का काम कर रहे हैं। कि बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं और इसी को क्रिया कहते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण के आधार पर हम क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का होना या काम करने का बोध को या काम करने के बारे पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का होना या काम करने, किसी काम के करने का बोध हुआ था पता चला, उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का होना ऑटोमेटिक पहले से हो रहा है, जैसे सूरज का उगना, वो कोई नहीं करता, सूरज उग रहा है और डूब रहा है, पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, अपने से हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है, सांस हम लोग ले रहे हैं, खुद ब खुद हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस बाहर आ रही है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो खुद ब खुद होता है, किसी काम का होना और करने, किसी काम के करने का। मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लिख रहा था, अब मैं नहीं लिख रहा, तो लिखने का काम हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिससे किसी काम का होना या उस काम, किसी काम के करने का बोध पता चले, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जहाँ पर क्रिया का प्रयोग होता है, और बिना क्रिया का प्रयोग किए बिना हम हिंदी के कोई भी वाक्य निर्माण नहीं कर सकते हैं, या फिर ये केवल हिंदी के लिए नहीं बल्कि बाकी दूसरे भाषाओं के लिए भी, इंग्लिश हो चाहे दूसरे कोई भी भाषा हो, इसमें हमें क्रिया का प्रयोग करना ही होता है वाक्य बनाने के लिए। तो
आइए आपकी पुस्तक में देखते हैं ऐसे कौन कौन से वाक्य हैं जो हमें बता रहे हैं कि क्रिया का प्रयोग वाक्य में बहुत विशेष भूमिका रखते हैं। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, आप देखिए पढ़ रहे हैं यहाँ लाल अक्षरों में लिखे गए हैं, यानी कि पढ़ने का काम हो रहा है। दादाजी टहल, दादी जी टहल रही हैं, दादी जी यहाँ देखिए पिक्चर में टहलने का काम हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ खेलने का काम हो रहा है। कुत्ता दौड़ रहा है, यहाँ दौड़ने का काम। तितलियाँ उड़ रही हैं, उड़ने का काम। यहाँ पर देखिए पढ़ना, टहलना, खेलना, दौड़ना, उड़ना, ये सारी जो शब्द हैं ये किसी काम के, काम का होना या काम के करने के बारे में बता रहे हैं और इन्हें ही हम क्रिया कहेंगे। मुझे लगता है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे कि क्रिया का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। क्या एक वाक्य में एक ही क्रिया होती है या उससे अधिक क्रिया भी एक वाक्य में लग सकते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है। किसी एक वाक्य में या तो एक क्रिया हो सकता है या एक से अधिक भी होता है। यानी कि हम देखें तो क्रियाओं के नियमों के बारे में बात करें कि किस प्रकार वाक्य में या तो एक क्रिया हो सकता है या एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। तो पहला नियम कहता है कि क्रिया एक से अधिक हो सकते हैं, किसी एक वाक्य में क्रिया एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे वह चला गया, ये भी एक क्रिया है और ये भी एक क्रिया है। यहां जाने का काम ये बता रहा है कि वह चला गया, ठीक है। दूसरा, मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। यहां जाना और चाहना दो अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन एक वाक्य में दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का हम इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदी के वाक्य बनाने में। दूसरा नियम क्या कहता है, क्रिया क्रिया शब्द वाक्य के अंत में आता है। क्रिया शब्द वाक्य के अंत में आता है। तुम खेलना चाहते हो, ठीक है। यहां भी दो क्रियाएं हैं लेकिन ये भी वाक्य के अंत में। इस तरह से हम देखते हैं कि क्रियाओं को वाक्य में प्रयोग करने के लिए दो नियमों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पहला, तो या तो क्रिया एक ही वाक्य में एक से अधिक हो सकते हैं, या फिर दूसरा मुख्य बात यह है कि क्रिया अधिकतर वाक्यों में या क्रिया वाक्य में वाक्य के अंत में आता है। आइए आपकी पुस्तक में देखते हैं, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं दी गई हैं जो हम आम जीवन में उनका प्रयोग करते हैं। आप अगर अपनी पुस्तक देखेंगे
तो उसमें पृष्ठ संख्या 48 पेज नंबर 48 में आपको बहुत सारे क्रियाओं के उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे जाना, आना, रोना, खाना, चलना, धोना, खेलना, डरना, खेलना, देखना, सॉरी, कहना, लाना, हंसना, बैठना, भूलना, तोड़ना। ये बहुत सारे क्रियाएं हैं जो हमारे जीवन में प्रयोग में आते हैं, हम चाहें या ना चाहें। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको क्रिया समझ में आ गई होगी। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का होना या किसी काम के करने का बोध, किसी काम करने के बारे पता चले, उस शब्द को क्रिया कहते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करूँगा कि बुक वर्क जो आपकी व्याकरण की पुस्तक में दी गई है, आप उसे स्वतः कर लेंगे और अपने शिक्षक को भेज देंगे। धन्यवाद।